पहली बिल्डिंग में ले रहे बंदे आ रहे हैं साथ में, तो आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापिस। गाइस बहुत सारे बंदे आ चुके हैं मिलिट्री तो बेस मजा में, ही हो। और मैं उतरते ही मुझे कोई भी गन नहीं मिली है, और चारों तरफ आप देखो कितनी ज्यादा भसड़ मच चुकी है। और ये बेचारा अभी तक ग्लिच का मारा है और चारों तरफ फाइट चल रही है, और मैं निहत्ता भाग रहा हूँ, पर भाई गन का तो नाम ही नहीं है। चलो यहाँ पे Level 3 की मुझे वैस मिल जाती है, और चारों तरफ बस धाएं धूं, किसी को शॉर्ट गन, किसी को कुछ, किसी को कुछ, पर मुझे कोई भी चीज मिलने का नाम लेने के मतलब बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा है। फिर चारों तरफ देखता हूँ भाई कुछ बंदे कुछ ना कुछ तो चाहिए, पर जैसे ही मैं इस घर में आता हूँ तो फाइनली भैया यहाँ बिल्डिंग में मुझे मिल जाती है AKM। और फिर देखो भाई इनको कैसे भरते हैं। अब भाई किल की मतलब बिल्कुल बौछार जैसी होने वाली है गाइस, और बस हम बीनने लगेंगे, बस अभी हमें किल्स बीनने हैं फटाफट। इस बेचारे निहत्ते को भी गन नहीं मिली थी, और अगर कहीं इसे गन मिल जाती मुझसे पहले, अगर ये ऊपर चले जाते AKM लेने, तो भाई मेरा तो ये भरता बना देता। और तुम्हें पता है कि किसी बंदा जब निहत्ता भाग रहा हो और उसमें हेलमेट वेस्ट ना हो, उसे मारने में कितना मजा आता है आप सभी को पता है। मतलब बॉट से भी ज्यादा आसान होता है उसको मारना, कई बार बॉट जो होते हैं हम पे हावी पड़ जाते हैं, पर जब कोई बंदा निहत्ता भाग रहा है और बिना हेलमेट के सिर्फ एक गोली काफी होती है। भाई मेरा टीममेट कहता भाई वो निहत्ता भाग रहा है, इसको पेलना है कैसे ना कैसे करके। पर अब ये बंदे को देखना, इस बंदे को देखना कितना ज्यादा दौड़ाना पड़ेगा और कितना ज्यादा ये मुझे दौड़ाएगा मारने के लिए। इसको मारने में कितनी ज्यादा मुझे तकलीफ होने वाली है, और मेरे को यहाँ पे मेरा एक किल भी चोरी हो चुका है। भाग गया भाई वो। वो बंदा बस भागे जा रहा है, देख रहे हो 1 HP बचा हुआ, 1 HP। और अभी यहाँ पे मुझे लोग हैकर बोलने वाले हैं, आप बोलो ना बोलो, पर वो सामने वाला बंदा जरूर मुझे हैकर बोलने वाला है, और वो कैसे ये देखो। गाइस बस यही तो होती है टेक्निक्स, बस एक अंदाजा लगाया और फेल दिया। अब बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे भाई ये स्पेस का जुगाड़ है, तो भाई ये स्पेस का कोई जुगाड़ नहीं है, वो बंदा जरूर हैकर मुझे सोच रहा। और ये जो बंदा मारा ना मैंने अभी, इसको देखा कैसे मारा मैंने, मतलब एक सडनली मेरे मुंह पर आ गया। भाई एक मैंने मार दिया और एक टीममेट ने मेरे भर दिया यहाँ पे। कुल मिला के यहाँ पे जो बिल्कुल खाली जैसा हमने सुनसाट कर दिया है, पर भाई जो वो पिछला वाला बंदा था ना उसको जो मार के भाई मर ही आएगा, लेकिन उस साले ने इतना दौड़ाया कि भाई पूछो मत। और फिलहाल अभी यहाँ पे लूट हो रही है, और अभी जब मैं ब्रिज वाले बंदे को मारूंगा ना भाई, देखना कि रेड डॉट अगर आपको चलाना है ना भाई, रेड डॉट के सामने 6x यानी फेल है। 6x भी मतलब एक तरीके से रेड डॉट और 6x मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है गाइस। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन बंदा रेड डॉट और 2x चलाता है, मैं तो रेड डॉट फेवरेट है। और अब ये देखो कमाल, गाइस 1 HP बचा होगा वो बंदा, मुझे पक्का पता है। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि वो बंदा भाई चारों तरफ बस बौखलाया जैसा है कि भाई कैसे बस इनके हाथों से बचना है मुझे, लेकिन भाई इतना आसान नहीं है बचना। और अभी जो मेरे साथ स्कैम होने वाला है ना भाई, वो देखना मत भूलना, क्योंकि मेरे साथ जो स्कैम होगा भाई वो अक्सर कहीं ना कहीं तुम लोगों के साथ भी हो सकता है। ध्यान कहीं और ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा, बस ये समझ लो। भाई ऊपर से वो बंदा VSS चला रहा था, मेरा ध्यान था ब्रिज वाले के ऊपर पूरा पूरा, और इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, जिसने मुझे थोड़ी थोड़ी से पील दिया। और कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा, तभी कहते हैं ध्यान हटी मतलब ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी। तो ये समझ लो मैं अपने दोस्त से ये बोल रहा था कि भाई मुझे कवर फायर देते रहे, कहीं मुझे वो ऊपर से फिनिश ना कर दे। और अब कभी भी ना तुम कभी ओपन में नॉक होते हो इस एंगल से, कभी बंदा है तो भाई हमेशा याद रखना अपने टीममेट्स आपको क्या कहना है कि भाई मुझे कवर फायर देते रहे, जहां से वो बंदा मुझे मार सकता है वहां पे शूट करते रहे। इस बेचारे के साथ इतना गंदा स्कैम हुआ कि इस बेचारे को भी नहीं पता कि मेरे साथ कितना गंदा स्कैम हुआ। अब भाई हीलिंग विलिंग मेरे पास तो बढ़िया थी प्रॉपर, तो मैंने मेरा टीममेट कह रहा था भाई हीलिंग विलिंग ले, फर्स्ट क्लास हीलिंग मार, क्योंकि अभी यहाँ पे बंदे हैं। अभी जो बंदा आने वाला है एकदम सडनली,
वो देखना, और मेरे साथ वाले ने फ्लेयर छोड़ दी है ठीक है, लेकिन वो बंदा घात लगाए बैठा हुआ है जिसके साथ अभी हमारी फाइट होने वाली है। हमने सोचा चलो यहाँ पे कोई बंदा बचा हुआ नहीं है, अब पूरा क्लियर कर दिया हमने पूरा मिलिट्री बेस। और आपको पता है मिलिट्री बेस को खाली करना कितना हार्ड है, क्योंकि भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा कवर हैं, इतने ज़्यादा कैंपर्स होते हैं। सोचो कि तुम्हारे भाई ने मिलिट्री बेस पूरा खाली कर दिया हम दोनों ने मिलके यहाँ पे, और अब जब हम सोच रहे थे कि भाई चलते हैं यहाँ पे, तभी भाई ये ससुराल वाले कभी नहीं मानते, एंड टाइम पे आ ही जाते हैं। आप पता नहीं कहाँ से टपक जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा हम उस एंगल से आ रहे थे पर कोई भी बोट नज़र नहीं आ रहा था, और जैसे ही सामने फाइट हुई ना भाई, इनको अपना पूरा रीति रिवाज करना ज़रूरी है और पीछे से आके पूरी घंटी खटकानी है। और अब भाई मेरा साथ वाला बोल रहा है कि भाई उस पर रश करना है, क्योंकि अगर वो टावर पर चढ़ गया तो भाई वो सीन कर दिया, क्योंकि उसको पूरा एरिया मिलेगा। और ये बंदा काफ़ी सही खेल रहा था, भाई थॉर भैया ये बताओ कहाँ की जल्दी है। लेकिन भाई जो भी है, इस बंदे ने इतना घुमाया, मतलब नाचे नाचे फिर रहा था ये बंदा, कभी दाएं कभी बाएं कभी लेफ्ट कभी राइट, कवर टू कवर फाइट ले रहा था। हमेशा याद रहो कभी भी बंदों से फाइट लो तो कवर टू कवर फाइट लो। अब भाई हमारा यहाँ पे ड्रॉप आ चुका था, तसल्ली से हमने लूटा, और अब हम आ जाते हैं ब्रिज के ऊपर। पर ब्रिज के ऊपर भैया इनको लिया हमने लेडू, तभी भाई सामने से जो शॉट्स आते हैं ना भाई, बहुत ही बढ़िया मार रहा था वो, बिल्कुल पिक्सल्स उसे थोड़ा थोड़ा सा भी दिख रहा था। उसने मुझे पूरी हेल्थ ले ली और लेवल 3 का पूरा मतलब डैमेज कर दिया मुझे, मेरा लेवल 3 पूरा का पूरा। अब एक बात हमेशा याद रखना, पहले मैं इस शॉट के बाद तुम्हें बताऊंगा कि यहां पे मैंने इसके साथ क्या करा। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरे साथ, मेरे पास ओम है, कई बार गलतियां करते हैं, जो इस बंदे ने गलती करी अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस बंदे ने क्या गलती करी। वो बंदा बस पीक ना ले रहा था और मैं वेट था कि भाई कब वो पीक ले। मैंने साथ वाले से कहा तू AR चला, हेडशॉट दिया मैंने। ले ले पीक, ले ले यार, ले ले भाई, ले ले, इतनी देर मत लगा, ले 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 ले। अब देखो कैसे इनका खोपड़ा बजाया जाएगा, इन्हें पता है कि हमारे पास ओम है। जय श्री राम। गाइस हमेशा याद रखना, अगर आप अकेले बचे हो या फिर कभी भी ऐसी सिचुएशन है कि सामने वाले के पास ओम है और आपको पता भी है, उसको पता भी चल गया था मेरे 2 शॉट्स मिस हुए थे, फिर भी वो बंदे ने जानबूझ के पीक लिया जिस वजह से उसको मरना पड़ा। कभी भी आपको लगता है कि भाई सामने वाले के पास ओम है और आपके पास AR है और आप अकेले बचे हो, तो भाई आप नॉक नहीं होने वाले, सीधे प्यारे होने वाले हो भगवान को, तो ये हमेशा याद रखना। और अभी यहाँ पे देखो भाई ये नागिन बन के कैसे लेटे हुए हैं 2 लौंडे जो पूरा हार्डकोर कैम्प करने में लगे हुए हैं। उस ब्रिज से हम आ चुके हैं नो वाले ब्रिज पे, भैया वो पूरा प्लान लगा रहा है। कर 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 कर, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब चलते हैं रश करने, क्योंकि भाई सामने एक बंदा डाउन है तो हमारी गन पावर है स्ट्रॉन्ग, तो हमने सोचा एक को नॉक करके करेगी रश। इंसेन भैया को भी भेज दिया है लॉबी और इनके लिए बजा दो ताली। तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अकेले हैं और किसी ने आपको ओम धरी हो, आप ओम का चांटा दिया हो और भैया बिना नॉक हुआ आपके पेटी बन जाओ और धुआं बन गया हो, तो भाई ऐसी गलती मत करा करो। अगर सामने वाले को आपको पता चल गया कि सामने वाले अपोनेंट के पास ओम है फिर भी आप पीक कर रहे हो तो छोड़ो, उनको तो दिया है पेल, अब भाई आती है इनकी बारी। तो हमें दिखता है ड्रॉप, हम सोचते हैं कि भाई लेवल 3 ले लेते हैं, पर भैया कोई और ही हमारा लेवल 3 लिया जा रहा था तो इनको कैसे छोड़ देते। दे, 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 दे।
तो भाई ये होता है जायरो का कमाल। अगर तुम जायरोस्कोप खेलते हो, ऑलवेज जायरो खेलते हो, तो भाई आपको अंगूठे से लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप करो, मोबाइल को हिलाओ और काम 35। तो हमारा जो सेकंड मेन चैनल है डीमैक्स वाई टी, उसके ऊपर जायरो की सीरीज आने वाली है, तो प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब करना। डीमैक्स वाई टी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन बंदों को जायरो सीखने में इंटरेस्टेड है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उनको जायरो सिखा दिया जाए। मैं दे दूंगा। इनको भाई निपटाने के बाद हमारे हो जाते हैं 16 किल, और अब मंजिल कहीं और की, किसी और की तरफ, किसी और की पेटी बनाने की तरफ चल देती है। अब जब हम हिलिंग विलिंग करके पूरा जा रहे थे, तो सामने से हमें दिखता है कि भैया गाड़ी जा रही है, जिनको अभी हम जाके सीधे पेलने वाले हैं। इसके पैन के चक्कर में मेरी पेटी बन जाती है यहाँ। इसे लगा कि सिर्फ एक ही बंदा है, पर इन्हें क्या पता महाशी को कि भाई यहाँ दो बंदे हैं। फिर इसे मुझसे बोला है सॉरी भाई, कभी भी दो बंदे हैं ना, कभी पैन पैन मत चला दिया करो, ये तो खाली हम इंजॉय के लिए करते हैं और आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, ताकि आप लोग खुश रहें और हमारे गेम प्ले से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो इसलिए मैं भाई पैन वैन मत चलाया करो, क्योंकि वो तो कई बार सिचुएशन होती है कि चिकन डिनर हाथ से निकल जाता है, या आपकी केडी माइनस हो जाती है, रैंक माइनस हो जाती है। तो भाई इनको तो ही हमने लोगों ने दिया है पेल। अब चिकन डिनर बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था, क्योंकि 7 किल थे, फिर भी कहीं ना कहीं हमें यह लग रहा था कि यार क्या चिकन डिनर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले टेंशन हो रही थी, क्योंकि गेम प्ले डालना था और आपको वीडियोस देनी थी। और भाई अगर चैनल पे नए आते हो ना भाई, अगर वीडियो देखते हो, तो भाई लोग लाइक पेल दिया करो। तो भाई लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, और ना ही कोई बस इंटरनेट ख़त्म होता है। तो भाई अगर ये बॉट भैया को मार के आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि भाई मैंने सोचा क्यों ना यार इसको एआर से मारने की, अच्छा तो यार भाई किल तो लेना ही है, तो ओम से पेल दो इन्हें, तो कुछ इंटरटेनमेंट भी होगा, कुछ स्किल्स भी बढ़ेगी। कई बार होता है कि भाई आपके पास एआर है और दूसरी गन है ओम या बोल्ट एक्शन, तो आप प्रैक्टिस करते रहा करो, कि कई बार होता है क्लोज रेंज फाइट होती है और आपकी गोलियाँ खत्म हो जाती है, अगर आपके पास बोल्ट एक्शन है तो स्विच करके आप इस तरीके से मार सकते हो। तो भाई आगे बढ़ते हैं, ये ड्रॉप के ऊपर हम जा रहे थे ड्रॉप लूटने, तब भी भैया ये पहले लूट रहे थे। अब इनका एक बंदा भाई आसपास धाने झोड़ी में लेटा था, जिसके साथ अभी हम पूरे मजे लेंगे और आराम से मारेंगे इन्हें। ये देखो ये लेटे हैं, भाई 7 वाले ने घूसे से मार दिया उसको, तो पंची मारा वे। हमने उसको इतना ज़्यादा ट्रॉल करा कि इतना ज़्यादा वो पैनिक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस किस को मारूँ, इसको मारूँ, उसको मारूँ, समझ नहीं आ रहा था। लास्ट में उसको मुक्को से पेल दिया गया। चलो कोई नहीं, अब बचे हैं लास्ट के दो बंदे। अब भाई पहले तो हमने सोचा कि यार एक ही बंदा है, मतलब दोनों एक ही टीम है, पर ये महाज से, ये देखो लॉन्डे की पूरी मस्ती देख रहे हो, मतलब क्रिस्टीना, मतलब कोई लड़की थी ये बेचारी, जिसको हमने आराम से मार दिया, और ये आराम से बैठ के हमें मारने वाली थी, पर कोई ना, इनको दिया है पेल। अब चलते हैं आगे की तरफ, जिसके साथ हमारे हो जाते इनको मारते 20 किल। अब भाई ये जो लास्ट बंदा है ना, तुम यकीन नहीं मानोगे, इतना ढूंढा है मैंने इसे, इतना ढूंढा है मेरे साथ वाले ने, इतनी देर में 7-8 किल हो जाते अगर बंदे होते जिंदा इस लॉबी के अंदर, पर फाइनली एक ही बंदा बचा है, जिसको चैलेंज लिया है भाई ओम से मारने का। अपने टीममेट से मैंने कहा था कि भाई कहीं भी दिखे, क्लोज रेंज में दिखे, दूर की रेंज में दिखे, और मुझे पक्का यकीन था कहीं ना कहीं वो सांप बन के लेटा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसको ढूंढा था, चारों तरफ गाड़ियाँ चला रहे थे, मतलब ढूंढ रहे थे इधर से उधर, पर इस भाई का नाम नहीं था कहीं मिलने का। और मैंने अपने दोस्त से कहा, देख भाई इसको मारेंगे तो सिर्फ ओम से मारेंगे, वरना मारेंगे नहीं, चिकन डिनर तो होगा तो ओम से ही होगा, तो क्या लगता है भैया ओम से इसको मार पाएंगे? बिल्कुल मार पाएंगे यार, बस इनकी मिलने की देरी थी। यार मेरे समझ में ये नहीं आता कि बंदे घास में क्यों लेटते हैं, इन्हें ये समझाओ कि अगर बंदा दूर से दूर है ना, तो घास जो है वो रेंडर नहीं होती है, आप पूरा सब चपाट दिखोगे और बंदा पेल दिया जाएगा। जैसा भी तुम देखो, हमारे क्लोज रेंज की घास हमें दिखती है, पर जब बंदा दूर होता है ना, दूर यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से दूर होता है, तो वो बंदा हमें नहीं दिखता है, मतलब दिखने लग जाता है और घास रेंडर नहीं होती है।
अगर आप घास में लेटे हुए तो घास नहीं दिखेगी और आप दिखोगे, जैसा मुझे ये बंदा दिख गया जिसके भाई साथ बहुत धोखा होने वाला है। और अभी आप देखो वो लेटा हुआ मुझे दिख चुका है। अब भाई एटेक्स ले लिया है, अब मेरा दोस्त बोल रहा है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पर जय श्री राम हेडशॉट और इनका काम 35। तभी बोलते हैं भाई कभी भी ओपन में मत लेटा करो। आई होप कि आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा, गेम प्ले पसंद आया तो मेक श्योर लाइक एंड कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का इंतजार रहता है और हर एक बंदे को मैं हार्ट देता हूँ, तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। और भाई जो हमारी प्रीवियस वीडियो वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, तो जाके उन वीडियोस को देखो। चैनल पे नहीं हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में।